गजब का नजारा लगता, गजब का नजारा। ये से निकाल के, हाँ ये इसे निकाल के सुखाना पड़ता है, सुखा के। वाह, ये देखो एकदम रॉ पेड़ से निकाला हुआ, और बनाने के बाद ये ऐसा लगता है। ये है अब्बी ट्रैवलिंग का एग्जैक्टली मजा भाई, बराबर मजा आ रहा है। इस जगह का नाम है तो अलीटा, और अलीटा की इस जगह का, इस गांव का नाम है ममकिन। राइट, ये सिल्क रूट, ये सिल्क रूट का जस्ट लाइक पोर्ट्रेट। स्वागत है आपको अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ अरीटा। ये जो जगह पे मैं रह रहा हूँ, ये होम स्टे में, ये इस सिक्किम का एक बहुत ही ऑब्वियस डेस्टिनेशन में से एक है। तो यहाँ का एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट का नाम एग्जैक्टली पता नहीं है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। उस व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ, राइट, मेरे दोस्त के साथ जो मुझे घुमा रहे हैं। सो गाइस, माय कैब इज़ रेडी। दोपहर का अभी 3:30 बज चुके हैं, देख सकते हो फॉगी वेदर है। तो हम लोग को जाना है घूमने और का सीन एक्सप्लोर करने, तो चलो गाड़ी का अंदर पहुंचते हैं। घुस गए, सुनाओ इस जगह को देखने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। सो गाइस, फीलिंग सो मच एक्साइटेड। सो तो मज़े के बाद बताऊं, पहाड़ में अगर आप घूम रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, पहाड़ का 2-3 चीज़ बहुत बढ़िया है। मीन्स आपको कोई स्पेसिफिक जगह पे जाकर आपको एक्सप्लोर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जहाँ पर हो अगर आप नेचर लवर हो, वहीं से ही आपको एक्सप्लोर करने का मज़ा आ जाएगा। राइट, सो राइट देयर, ओके। तो अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं भैया? अभी हम ममकिन जा रहे हैं। ममकिन, ममकिन व्यू पॉइंट जी, ममकिन व्यू पॉइंट। चलो ममकिन व्यू पॉइंट। तो अरीटा में कैसे आओगे, उसके लिए पिछले वीडियो में दिखाया था अरीटा एक्चुअली इस सिक्किम में, आप वाया गैंगटॉक आ सकते हो। अगर आप हम लोग जैसे आए थे दार्जिलिंग कालिम्पोंग से घूमते, उस तरह भी आ सकते हो। कैसे आया वो जानने के देख लीजिए, पिछला वीडियो देख लो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ममकिन व्यू पॉइंट पे पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ का सीन क्या हो वो आपको दिखा दें। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग जा रहे हैं ममकिन व्यू पॉइंट की तरफ से, एकदम पहाड़ के ऊपर खूबसूरत सा माहौल। बट अनफॉर्चुनेटली आसमान देखो, इतना क्लाउड है, व्यू पॉइंट से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ अलग सा व्यू होगा। पर फिर भी जा रहे, इतना दूर आ रहे हैं तो हर दिन तो मौका नहीं मिलता है, तो कोई भी व्यू पॉइंट नहीं छोड़ना है। तो भैया को बोलकर हम लोग का ये छोटा सा ट्रिप अरेंज किया, स्टे से लगभग आधा घंटा लगता है जाने के लिए। और देखो कितना खूबसूरत जगह से जा रहे हैं, ठंड ज़बरदस्त, हाथ में ऐसे बाहर रख कर वीडियो शूट कर रहे और बात कर रहे आप लोग के साथ, रगीर मानो ऐसा लग रहा है कोई छुरी चला रहा है हाथ के ऊपर, पूरा जम रहा है। तो पहुंच चुका हूं ममकिन व्यू पॉइंट। तो ये यहाँ पर एंट्री है, फ्री एंट्री है, कुछ जाने के लिए एंट्री के लिए कुछ पैसा नहीं लगता है, बट बहुत सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर यू हैव टू टेक अप स्टेयर्स। एक अलग सा माहौल है, पूरा गांव के बीच में, ये तो गांव है ना, एक गांव का नाम क्या है, वही नाम है। तो ममकिन गांव का ही नाम है। ओके भैया, हम लोग के साथ है होटल जो जिस हम लोग होम स्टे में रह रहे हैं, ये देखो ममकिन, MANGKHIM ममकिन, अलग सा खूबसूरत। यहाँ पर देखो जो आसपास का जो घर है ना, ये जो बना है ये डिफरेंट मटेरियल से शायद, हाँ, सो क्वाइट गुड। पूरा फीलिंग ग्रेट हो भैया। चलो व्यू पॉइंट के ऊपर आ चुका हूँ। यूजुअली सब जगह में ज़्यादा कुछ लोग नहीं आते हैं, हम जैसे पागल ही आते हैं, क्योंकि कुछ अलग देखने हम लोगों को, सभी जाते हैं गैंगटॉक, पर हम लोग आए हैं ममकिन फॉर ऑर्बिट डेस्टिनेशन। यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं ना, या लोकल लोग रहते हैं यहाँ पर। ओके दैट्स फाइन। यहाँ से डोकलाम कितना दूर है? डोकलाम और अलग साइड में है डोकलाम,
अच्छा तो ये मुमकिन व्यू पॉइंट का अलग से नज़ारा, ये रॉक के ऊपर खड़े होकर आपको, भाई आपको मैं क्या बात बोलूं, अगर ये सामने ये फॉग नहीं रहता ना, क्लाउड नहीं रहता ना, गजब का नज़ारा लगता, गजब का नज़ारा। माय गॉड, इट कुड बी समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर देखो सागर कहाँ पर उठा है। ओके, डोंट ट्राई टू शो टू मच डेयर, अननेसेसरी। ओके ओके फाइन, जाने की कोशिश करें। हाँ चलो करते हैं जाने की कोशिश, यही तो एडवेंचर का असली मज़ा। जय श्री राम, जय माता काली, जय माँ विष्णु, पहुँच गया मैं। अभी इसके ऊपर नहीं चढ़ना है, अगर इससे गिर जाऊँ हटली पसली सब कुछ एक हो जाएगा। बट ये सिल्क रूट का जस्ट लाइक पोर्ट्रेट। तो चलो ये एकदम लोकल लोगों का जगह है। ये कौन सा जगह, ये नमकीन क्या है, मॉनेस्ट्री और टेंपल। तो ये क्या, ये कौन सा जगह है। ओके, कहाँ पर जा रहा हूँ पता नहीं, पर कुछ जगह पे जा रहा हूँ। एकदम जंगल के बीच में से रास्ता, गोट रखने का जगह। देखो यहाँ पर पहाड़ का गोट, ऊपर ऊपर चलो, सब कुछ अच्छा है। हर रोज अगर ऐसे सीढ़ी से ऊपर जाने का मौका मिले ना, किसका खड़ा मून, इलायची का पे क्या पेड़, इलायची का पेड़ नहीं होता है। तो क्या होता है, यही होता है इलायची, ये इलायची। हाँ इलायची, इसका पेड़ नहीं होता है। अच्छा वैसा इसका बीज होता है इलायची। ओके, इलायची गाछ, इलायची ट्री, यहाँ पे इलायची होता है नीचे। ये मंदिर है शिव और पार्वती जी की, पार्वती माँ का। तो घंटी है, चलो घंटी बजा देते हैं। एक दो, ये बजता नहीं है। तो अंदर प्रदीप लगा हुआ है शायद। तो चलिए भाई नीचे जाकर देखते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त व्यू है, मीन्स फील कर लो ज़बरदस्त व्यू है, बट किस्मत बहुत फूटी है। इतना क्लाउड है आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन लोगों के साथ बात हो रहा था, जो ज़िगज़ैग रूट, सिल्क रूट जिसको बोलो, किस तरफ होगा वो, उस तरफ। ओह शिट भाई, इस तरफ पर जो सिल्क रूट के ऊपर ज़िगज़ैग रूट है ना, वो पूरा यहाँ से पूरा क्लियरली दिखाई देता है, बट इतना क्लाउड के लिए आज दिखाई नहीं दे रहा। बट यहाँ से इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा है क्लाउड के बीच में, अगर सोचो क्लाउड नहीं रहता तो कैसा लगता। फैंटेस्टिक। ये सब के लोग रहते हैं, होमस्टे ये सब, होमस्टे है ना। इस मंदिर का नाम क्या, शिव जी का मंदिर मुमकिन व्यू के एकदम पीछे। तो अगर इस साइड में अगर आ रहे हो, ये तो इस सिक्किम के अंदर ही है ना, इस सिक्किम। बट जो गैंगटॉक जो लोग जाते हैं गैंगटॉक, वो लोग तो इस तरफ ज़्यादा नहीं आते गैंगटॉक नहीं। तो ये वाला जगह थोड़ा सा मीन्स टूरिस्ट कम होता है इन कम्पेयर टू गैंगटॉक। होता है अभी तो होता है। अच्छा, पहले तो उतना नहीं होता था, अभी हो रहा है। अभी लोगों को बस जानकारी मिल रहा है, लोग आ रहे हैं समथिंग न्यू, बिकॉज लोग देखो जो गैंगटॉक में एक बार दो बार आ चुका है, वो गैंगटॉक में फिर बार बार जाकर क्या करेगा। तो दे वांट टू सी समथिंग एल्स। सो ये एक बढ़िया, हाँ चलो एक बार नॉर्थ में चला गया, एक बार गैंगटॉक देख लूँ, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद ये सब जगह है आना चाहिए। थोड़ा सा ऑफबीट डेस्टिनेशन है, मीन्स आपको ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलेगा इसके बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम मिलता है। बट जैसे मैं होमस्टे का नंबर आप लोगों को दे दिया, जो ड्राइवर भैया का नंबर आपको मैं दे दिया, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा आओगे तो यू विल गेट अप
गुड एक्सपीरियंस. तो इस जगह आने का बेस्ट टाइम कौन सा है, कौन सा टाइम में आएगा तो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेंगे इन लोगों को सभी को? अगस्त सितंबर से, अगस्त से स्टार्ट करने के बाद अक्टूबर तक. अगस्त टू अक्टूबर आएगा तो बहुत बढ़िया व्यू आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज एक बार आसमान एकदम क्लियर रहता है, साफ होगा, सब जगह दिखाई देगा. राइट, ओके. यहाँ पर तो स्नोफॉल तो नहीं होता, बर्फ तो नहीं पड़ता यहाँ पर. राइट, सुलूक साइड में पड़ता है. अच्छा, वेरी गुड. तो ये तो सब भी इसी एरिया के अंदर है. हाँ. ये सब एरिया के अंदर है. राइट, दैट्स फाइन. सो गाइज, ये एकदम, अगर कोई किसी को डायरेक्टली आना चाहता है तो कैसे, हम लोग तो सपोज मान लीजिए हम लोग कालिंगपोंग होके आए. हाँ. सर, कोई गैंगटॉक से आना चाहता तो कैसे आएगा? गैंगटॉक होके फिर इस तरफ से वो जो जिगजैग रोड है ना. हाँ. उधर से घूम के, फिर उधर से घूम के छंगू होके इधर से आके. ओहो, लोग छंगू देखकर बाबा मंदिर का फिर से गैंगटॉक वापस चला जाते, इधर पर नहीं आते हैं. हाँ. तो कोई अगर आना चाहते हैं गैंगटॉक से, इधर से आ सकते हैं. ओके, क्या बोलना पड़ेगा, कहाँ पर जाना है? आलीटाट जाना है. और आप लोग का जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं होम स्टे में दे दिया, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो होम भी ऐसे एडवांस बुकिंग हो जाएगा. राइट, दैट्स गुड. चलो यार, ये मान, हम लोग आए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टूट करके, मीन्स हम लोग कालिंगपोंग गए थे, हम लोग एक दूसरे जगह पे स्टे करे थे, उसके बाद कालिंगपोंग से सिक्किम होकर हम लोग इधर पे आए. अगर गैंगटॉक भी आ रहे हो वहाँ से भी आप कर सकते हो. कितना टाइम लगता है भैया गैंगटॉक से यहाँ पर आने के लिए? वही एक दिन में तो आ जाएगा, एकदम 5-6 घंटा लग ही जाएगा यार, एक फुल डे का टूर. बट यहाँ पर आकर आप रुकना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं आप लोग जैसे करते बाबा मंदिर में जाकर घूम फिर के चले जाते हैं गैंगटॉक में. हाँ. पर यहाँ पर स्टे करो भाई, स्टे नहीं करोगे तो ऐसा बढ़िया व्यू कैसे मजा लोगे? हाँ, और यहाँ पर साइट सीन भी बहुत है. अगर आप थोड़ा सा शांति चाहते हो, नेचर लवर हो, तो भाई आपको तो आना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू कम इन दिस प्लेस. तो जाते जाते राइस साहब ने यहाँ पर एक दिखाया, लोकल साग है ये, लोकल साग, हम लोग साग खाते हैं. क्या इसका नाम, क्या इसका राई साग? अगर आपका टाइटल भी तो राई है तो ये है राई साग. ओके, इसलिए रोक कर दिखाया है खुद का टाइटल का राई. नहीं नहीं, वो सा नहीं. ये जो देख रहा है ना ये. अच्छा, तीते भी बोलता है. तीते भी क्या बोलते हैं? तीते भी. अरे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है. तीता होता है ना. ओके, तीता होता है. ओके, हाँ, करेला जैसा तीता है. ओके, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये सब. ये कैसा खाते हैं? ये साग है? वो भी साग है? वो साग नहीं है, वो करेला जैसा ही होता है. ओके, उसे फल होता है, फल अभी छोटा है. अच्छा, ये देखो पहाड़ में घूमते पहाड़ी एकदम एग्जैक्टली खाना भी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग. ओके, चलो हम लोग नीचे जाते हैं. 1-2 हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो नहीं किया, वो हमने पढ़ा भी था, सुना भी था. इसे ये इंक, हाँ, से होता है. हाँ, ये बहुत बिक्री होता है, ये बहुत फॉरेस्ट में बहुत. अमेजिंग भाई, तो इसका इसका हिस्ट्री अगर फिर से बोलने बोल लो भाई. ये क्या चीज है? इंक निकलता है इससे. ओ, ये पेन के अंदर जो इंक रहता है, क्या कलर होता है? वो रहता है. अच्छा, पेन के अंदर जो इंक होता है वो इंक, जो नेचुरल इंक इस पेट से बना जाता है, फॉरेस्ट में बहुत पाया जाता है. फॉरेस्ट में किस तरह से करता है? अच्छा, सेल होता है. हां, सेल होता है. अरे वैसे करने से भी कलर आ जाता है. कलर आता है, लेकिन ये वो थोड़ा वो होना चाहिए, के भन्छ त्यसलाई, ठुलो भएकोलाई. बड़ा ज्यादा होता है ना, ये छोटा ही है. अच्छा, अगर यहाँ पर आना चाहिए, अगर आपके साथ कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं, आपका नंबर बोल दीजिए ना, आपका थोड़ा सा आपका नंबर बोल दीजिए. हाँ, चाहिए होगा अगर नंबर बोल दो आपका. 9083778474 क्लियर से बोलो. 9083778474 आपका नाम? प्रवीश राय. सो गाइस, अगर आप ऐसे ऑफबीट ट्रैवल करना चाहते हो, ऐसे जंगल में घूम कर कुछ नया चीज़ अगर आप देखना चाहते हो, तो भाई आप इस नंबर पर कॉल करो, प्रवीश भाई के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और यू कैन एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सिक्किम, ब्यूटीफुल नेचर. राइट, और सिक्किम में अगर 2-3 बार पहले आकर नॉर्थ सिक्किम, गैंगटॉक और सब साइड अगर एक्सप्लोर करके पक चुके हो, तो आओ कुछ नया देखो. तो भाई यहाँ पर हम लोग एक दूसरा चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं. ये होता है जो हम लोग जो होते हैं ना ब्लूम, ये साफ सफाई होता है उसका, जो जिस गाछ से, जिस घास से होता है, ये वाला हो जाए. ये इसे कौन सा चीज़ इस्तेमाल होता है? ये अंदर का चीज़ नहीं, अंदर का चीज़ नहीं. जो जस्ट लाइक ब्लूम हम लोग इस्तेमाल करते सफाई के लिए, उसके लिए. अच्छा, चलो ऊपर उधर जाते देखते हैं. ये यूनिक एक्सपीरियंस हो रहा है, अलग अलग चीज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. गोभी, कॉपी को हिंदी में गोभी बोला जाता है.
हाँ ये देखो इसको, यहाँ पर भी कॉपी बोला जाता है, हम लोग बांग्ला में तो कॉपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल कॉपी, फुल कॉपी। अच्छा गाय खाता है, हाँ समझ में। तो देखो हर यहाँ पर हर हमने है ना ये चीज़ नोटिस किया, हर घर के सामने इधर गार्डन होगा और कुछ भाई वो लोग इधर उधर कल्टीवेट कर रहा होगा, बहुत यूटिलाइज है सब कुछ। हाँ 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 पहाड़ी गुलाब, ये पहाड़ी गुलाब गाछ। कितना खूबसूरत साफ सफाई, देखो एकदम बराबर साफ सफाई, छोटा छोटा जगह है। ओ टमाटर देखिए लोकल, दीदी हुन्छ है देखाउ दा, लोकल लोकल टमाटर, लोकल लोकल टमाटर, लोकल टमाटर, कोई पर हाइब्रिड नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है, प्योर एकदम। हां ये प्योर है, प्योर एकदम, छोटा छोटा है पर ये बड़ा होगा, ये छोटा टमाटर अभी ग्रीन ग्रीन है, ये बड़ा होने को दीजिए, इसका टेस्ट सबसे बढ़िया होता है। ये देखो इतना छोटा जगह, इतने यहाँ पर भी कल्टीवेट लोग करते हैं, यहाँ पर चास कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं भाई। अच्छा यहाँ पर जो एक चीज़ बताओ, जो मोदी जी ने जो फार्मर के लिए बिल लाया ना, इसका कोई तो इफेक्ट यहाँ पर नहीं है, इफेक्ट नहीं। हाँ उस बिल के साथ यहाँ का लोगों का लेना देना नहीं है। ये देखो यहाँ पर जो कि पूरा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखो साइड में एकदम छोटा छोटा जस्ट लाइक विच वन, ये देखो ये है ब्लूम, इसका बनाया जाता है किससे, ये है ऊपर भैया, ये जगह है ना, ये है राइट, ऐसे निकालता है, ऐसे निकाल के, हाँ ये ऐसे निकाल के सुखाना पड़ता है, सुखा के। वाओ ये देखो एकदम रॉ पेड़ से निकाला हुआ, और बनाने के बाद ये ऐसा लगता है, फैंटास्टिक अमेजिंग, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँ। पहले तो मुझको ये लगता था ये कारखाना से मन करता है, इधर ही होता है, देखो सिक्किम से जाते हैं पूरे दुनिया भर में, ओके अलग कहाँ पर कल्टीवेशन पता नहीं। देखो इतना छोटा सा जगह, यहाँ पर भी गार्डनिंग है, डॉगी है, कितना बढ़िया जगह है। लहसुन, हाँ गार्लिक, माय गुडनेस, ये देखो ऑर्गेनिक गार्लिक लहसुन, लहसुन ये ऑर्गेनिक है, एकदम ऑर्गेनिक, कोई यहाँ पर फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक है। ये पहाड़ी मिर्च, ये तो पहाड़ी मिर्च, बैंगन, पहाड़ी मिर्च, लहसुन, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया मिल जाएगा आपको। फूल देखो कितना खूबसूरत है, वाह। पर हाँ सीबी का भी ऑर्गेनिक है, देखिए किसका थोड़ा कम है, सीबी बोलता है ना ये इसा। अच्छा देखिए ये भी सब्जी, अच्छा सब्जी है, बढ़िया बढ़िया भाई। सीम है, ये देखो सीम का भी ये ऑर्गेनिक ट्री है, फैंटास्टिक, ब्रेवो ब्रेवो प्रभास भाई, थैंक यू, अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट इज़ मोर देन ट्रेवलिंग, थैंक यू दी फॉर अलाउिंग अस टू जस्ट लाइक एक्सप्लोर योर गार्डन। सो भाई ये है अबी ट्रेवलिंग का एग्जैक्टली मज़ा भाई, बराबर मज़ा आ रहा है, बराबर मज़ा आ रहा है, दूसरा चीज़ दिखाने के लिए बुला रहे हैं। लोकल टमाटर का पेड़ है, देसी टमाटर, देसी टमाटर, हाँ हाँ देखिए ये देखो टमाटर, देसी टमाटर, एकदम अलग से लुक है, बाप रे ये देसी टमाटर इसके लुक्स भी एकदम डिफरेंट है। ये है वो वाला पेड़ जिसमें ब्लूम तैयार होता है, ये फल है, ये कोई फल है राइट राइट, क्या चीज़ है ये, हाँ तो ब्लूम है, तो इस वही काम में यूज करते हैं हम लोग, हाँ हाँ बिक्री करते हैं ये लोग, सेल करते हैं। कितना केजी कितना होता है इसका पता है आपको, अभी सीजन में तो ज्यादा ही मिलेगा इसका भी। अच्छा हम लोग तो पे किनते हैं एक झाटा 150 रुपए, एक झाटा 150 रुपए, केजी तो नहीं, केजी भी उतना देगा इधर नहीं, नहीं हां तो केजी तो बहुत हो जाएगा, एक झाटा में कितना होता है, इतना ज्यादा होता है सिर्फ 150 रुपए के, मतलब एक झाटा में मिल जाता है, बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ से नीचे जाते जाते इतना दाम हो जाता है, यहाँ से नीचे जाते जाते नेचर, ये तो भाई
ऐसे तो ये तो जाने में। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताओ, यहाँ पर कोई पैराग्लाइडिंग होता है यहाँ पर कहीं पे क्या? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पर नहीं होता ना, गैंगटॉक में होता है, गैंगटॉक में होता पैराग्लाइडिंग। सो भाई ये थोड़ा सा कुछ अलग थोड़ा सा ट्रिप, अभी इधर उधर घूमने के बाद अभी घर जाना है। घर जाना का मतलब होम स्टे में जाना है जहाँ पर हमने रूम। तो रास्ते में जाते हुए एक मॉनेस्ट्री की शूट करेंगे, तो पता नहीं मॉनेस्ट्री का वीडियो इस वीडियो के साथ ही ऐड करना है नहीं करना, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल ऑफ वीडियो हुआ और मॉनेस्ट्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट का वीडियो है। तो अगर होगा तो छोटा वीडियो होगा तो इसके साथ ही ऐड कर देंगे, नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे, डिपेंड्स ऑन द एडिटिंग। एडिटिंग जब मैं घर पहुँच के एडिटिंग करूँ तब उसके बारे में आई विल थिंक। तो चलो अभी एक ब्यूटीफुल खूबसूरत गाँव पे, इस जगह का नाम है तो अरीटा अलीटा, और अलीटा की इस जगह का इस गांव का नाम है मामकिन, राइट मामकिन। तो भाई तो ये मामकिन अलीटा से ये छोटा सा ट्रिप ऑफबीट ट्रिप ख़त्म करके निकल रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर। सो चलो भैया, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।